स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज मैं आप लोगों के लिए 25 बाई 35 का घर का नक्शा लेके आया हूँ, जिसकी टोटल एरिया 875 स्क्वायर फीट है। तो इस प्लान में जो है दो कार पार्किंग है, दो बेडरूम है, एक कॉमन टॉयलेट इन बात, एक किचन है, एक स्टेयर बनाया गया है। तो आइए इस प्लान को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले जो है आपका मेन गेट है और ये वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, यानी पश्चिम रुखा मकान है। और इसमें जो है दो कार पार्किंग बनाए गए, एक जो है आपका इधर बनाया गया पार्किंग और एक जो है पार्किंग आपका इधर बनाया गया है। तो इधर वाला पार्किंग में अगर आपके पास एक कार है तो इसको जो है आप गार्डन में बना सकते हैं, गार्डन ओपन गार्डन बना सकते हैं। और ये जो दीवार है 9 इंच के हैं और ये जो है बाउंड्री की दीवार है, कंस्ट्रक्शन यहीं तक हुआ है और ये जो है ओपन रहेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे मेन डोर मिल जाएगा, मेन डोर से एंट्री करेंगे तो हमको एक बेडरूम मिल जाएगा, इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। और ये जो है अंदर जाने के लिए डोर बनाया गया एक थे और एक जो है यहाँ से डोर बनाया गया है स्टेयर के नीचे से, इससे भी आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे स्टेयर है आपका, ऐसे क्लॉकवाइज जो है ऐसे आना है, इसमें मैं एरो बना देता हूँ, ऐसे मतलब आना है इसमें, ऐसे जो है आपका स्टेयर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट इन बात हो जाएगा, इधर आपका OTS बनाया गया है वेंटिलेशन के लिए, इस कॉमन टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हो जाएगा, इसका भी वेंटिलेशन हो जाएगा इसी से। ये जो है तीन विंडो लगाए गए हैं इसमें। और यहाँ पर आपका छोटा सा किचन बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका साइज। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने कार पार्किंग में। तो कार पार्किंग जो है हमारा, ये फ्रंट जो है टोटल हमारा 25 फीट है और हमारे आउटर वाल जो है 9 इंच के हैं, इस हिसाब से बनाया गया है। तो और इनर वाल 5 इंच के हैं। तो ये रहेगा आपका 23 फीट 6 इंची, आपको मिल जाएगा पूरा वाइड यहाँ से यहाँ तक जो है 23 फीट 6 इंची मिल जाएगा। और ये जो दूरी रहेगी आपकी 8 फीट रहेगी, 8 फीट रखा गया है। कार जो है 6 फीट चौड़ा होता है इसलिए मैंने 8 फीट रखा है इसको। और इधर भी आपको 8 फीट रखा गया है, 8 फीट आपका इधर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 14 फीट रखी गई है, स्विफ्ट डिजायर जो है 14 फीट का होता है इसीलिए उसी का नाप का मैंने ये बनाया है। और यहाँ पे आपका गेट ही है, तो गेट आप रखिएगा 10 फीट चौड़ा गेट रखिएगा, तभी आराम से जो है कार जो है आसानी से अंदर आ जाएंगी। और यहाँ पर जो डोर लगाया गया है ये वाला डोर, तो ये रहेगा आपका 3 फीट 6 इंची का लगाइएगा और 7 फीट ऊँचा रहेगा, ये आपका रहेगा 3 फीट 6 इंची बाई 7 फीट का, ये भी रहेगा डोर। और इसका साइज रहेगा इस रूम का 10 फीट ऐसे रहेगा वाइड और ऐसे मिल जाएगा 15 फीट आपको, 15 फीट मिल जाएगा ऐसे जो है 15 फीट। और इधर अंदर आने पर हमें 8 फीट चौड़ा जो है स्टेयर मिल जाएगा, ऐसे 8 फीट मिल जा रहा है, 8 फीट है। और प्रत्येक स्टेयर जो है हमारा 4 फीट चौड़ा रहेगा, ऐसे 4 फीट चौड़ा बनाया गया है। इधर भी आपको 4 फीट ही मिलेगा, ये स्लैब रहेगा स्टेयर का जो 4 फीट चौड़ा है। और यहाँ पर भी आपको 4 फीट मिलेगा। हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ रहेगा आपका 4x7 का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ और 4x6 का ये रहेगा आपका OTS। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वाले बेडरूम का 3 फीट 6 इंची जो है इसका डोर हो जाएगा और इसका भी साइज हो जाएगा 10 फीट ऐसे रहेगा और 15 फीट आपको ऐसे मिल जाएगा। और इसके बाद हम किचन में आते हैं, तो किचन जो है हमारा 3 फीट चौड़ा डोर लगाएंगे और 7 फीट बाई 8 फीट का, 8 फीट हमको ऐसे मिल जाएगा वाइड और 7 फीट आपका ऐसे मिल जाएगा, 7 फीट ऐसे मिल जाएगा, किचन आपका हो जाएगा। ये किचन का चूल्हा है, तो ये हो जाएगा बेसिन किचन का। तो इसमें जो है दो कार पार्किंग का प्लान था। तो कैसा लगा प्लान कमेंट में बताइए और ऐसा ही वीडियो देखिए। कॉलम पोजीशन में बना दे रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पर एक लगा दीजिएगा यहाँ पर, हाँ। अब जो है यहाँ से यहाँ तक जो है स्पान जो है थोड़ा बढ़ रहा है, 10 फीट हो रहा है ना, 10 से 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉलम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 6 3 9 9 कॉलम जो है इसमें लग रहे हैं अंदर अंदर, और बाहर जो है आप यहाँ पर भी कॉलम लगाइएगा, 3 और बढ़ जाएगा, 12 कॉलम जो है इसमें लग जाएंगे।
तो काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी कम बजट में ये बन रहा है हमको लग रहा है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।